हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जावा में हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है एंड उसे प्रोग्रामिंग में हम कैसे बनाते हैं, सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की। सो गाइस, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले या किसी भी लॉजिक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में है क्या एंड उसका काम क्या होता है। पहले तो आप समझो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो एंड उसके पीछे का मकसद क्या है एंड वो एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेन्यू एक्चुअल में होता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट जाते हो। सो रेस्टोरेंट में वेटर सबसे पहले आपके पास क्या लेके आता है, एक मेन्यू। अब उस मेन्यू में आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट मान लो टी आ गया, सेकंड मान लो कॉफी आ गया, एंड थर्ड मान लो कोई भी और आइटम आ गया। मान लो इस तरह आपके पास कई सारे आइटम्स हैं। अब इस मेन्यू का काम क्या है, आप वेटर से बोलते हो कि हमें ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो वेटर क्या करता है, आपको ये वाला आइटम लाके दे देता है। अब मान लो आपने सेकंड आइटम सिलेक्ट किया, सो वेटर क्या करेगा, आपको सेकंड आइटम लाके दे देगा। सो मेन्यू का मतलब क्या है कि आप यूजर के सामने कुछ ऑप्शंस दे रहे हो एंड यूजर से पूछ रहे हो कि उसको क्या करना है। सो जब यूजर आपको कुछ बताएगा कि हाँ हमें ये वाला काम करना है, सो आप वो वाला पर्टिकुलर ये काम कर दोगे। सो हमारे पास बहुत सारे वर्क्स होंगे करने के लिए एंड हम यूजर से चॉइस लेंगे कि आपको कौन सा काम करना है। सो इस तरह का जब हम प्रोग्राम करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, सो इसी को हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब जावा में इस टाइप के प्रोग्राम को करने के लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्विच। अब स्विच स्टेटमेंट का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब स्विच एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमें एक वेरिएबल देना होता है। मान लो हमने चॉइस एक सी एच वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, एंड ये करता क्या है, अब मान लो यहाँ पे सी एच का वैल्यू सपोज अगर 1 होता, सो हम यहाँ पे केस दे देंगे केस 1। अब इससे होगा क्या, अगर मान लो चॉइस में हमारे पास 1 है, सो ये वाला केस रन होगा। अब यहाँ पे हमें कोई भी वर्क यहाँ पे हम लिख देंगे, सो अगर चॉइस हमारे पास 1 आ रहा है, सो कौन सा वर्क होगा, ये वाला। अब मान लो हमारे पास चॉइस में 1 की जगह 2 है, सो यहाँ पे हम एक दूसरा केस लिख देंगे केस 2, एंड यहाँ पे हम दूसरा काम कर लेंगे। तो मतलब अगर यूजर हमें चॉइस 1 दे रहा है, सो फर्स्ट काम हो रहा है, एंड अगर यूजर हमें यहाँ पे सी एच में कोई और वैल्यू दे रहा है, सो हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक है एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। अब यहाँ जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही काम हो, यहाँ पे और भी हो सकते हैं। मान लो आपको केस 3 चाहिए, सो आपने एक तीसरा काम लिख दिया, एंड अगर यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा 3, सो यहाँ पे कौन सा वर्क होगा, थर्ड वाला वर्क। सो जो हमारा स्विच केस है वो कुछ इस तरह वर्क करता है, एंड लास्ट में हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। अब इस डिफॉल्ट का काम क्या होता है, अब मान लो यूजर थोड़ा पागल था तो उसने क्या किया, ना 2 दिया ना 3 दिया, यहाँ पे दे दिया 10। अब क्या आपके पास 10 नंबर का कोई चॉइस है, सो इस नंबर का हमारे पास कोई चॉइस तो नहीं है। सो यहाँ हम बता देंगे यूजर को कि तुमने कुछ गलत इनपुट किया है, प्लीज हमें दोबारा से सही वैल्यू इनपुट करो। सो ये होता है कुछ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी नहीं, बेसिकली मैंने आपको स्विच के बारे में थोड़ा सा बताया जिसका हम यूज करेंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में। सो गाइस, आई होप आपको मेन्यू क्या होता है समझ में आ गया होगा, एंड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अब इसी की मदद से हम कैसे बनाएंगे, चलिए अभी देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे एक प्रोग्राम की जो कि ICSE बोर्ड 2016 पेपर में आया हुआ है। सो पहले देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन एंड उसको फिर बना के देखते हैं। सो ये है ICSE 2016 के क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के ऊपर। सो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। सो हमें एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है यूजिंग स्विच केस। मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं मेन्यू ड्रिवन के लिए। सो अभी हमें इस मेन्यू में करना क्या है, हमें 2 ऑप्शंस देने हैं यूजर को। सो क्या क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। सो अगर हमें यूजर 1 इनपुट देता है, सो हमें क्या करना है, टू प्रिंट द फ्लॉइड्स ट्रायंगल। अब हमें ये कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हम फ्लॉइड्स ट्रायंगल बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें अगर यूजर फर्स्ट चॉइस देता है, सो हमें ये वाला वर्क करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला काम। लेकिन अगर मान लो यूजर हमें चॉइस में 2 देता है, मीन्स अगर उसने इनपुट किया 2, तो हमें सेकेंड वाला वर्क करना है। तो सेकेंड वर्क हमारा क्या है, हमें डिस्प्ले करना है इस पैटर्न को, क्योंकि हम ICSE बोर्ड में, तो ICSE ने हमें एक पैटर्न दिया है ICSE प्रिंट करने के लिए कुछ इस तरह का। सो हमारे पास 2 काम है यहाँ पे। अगर यूजर हमें वैल्यू देता है 1, सो हमें क्या करना है, हमें इस वाले ट्रायंगल को ऐसे प्रिंट करना है, एंड अगर यूजर इनपुट करता है 2, सो हमें क्या प्रिंट करना है, ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ लास्ट में एक चीज दी हुई है, फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। सो आपको जो मैंने डिफॉल्ट बताया था, सो डिफॉल्ट में हमें एक एरर मैसेज देना है कि मान लो यूजर का 1 और 2 के अलावा कोई चॉइस देता है, तो हमें एक एरर मैसेज भी देना होगा कि तुमने गलत चॉइस इनपुट की है। तो ये था क्वेश्चन। तो चलिए अभी इसको बना के देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, अब मैंने यहाँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से प्रोग्राम पहले से बना के रखा था, बट मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है, एंड क्लास के बाद मेन फंक्शन जो कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं, एंड इसके बाद सबसे पहला काम हमें मेन्यू में क्या करना है,
हमें यूजर से हमें यूजर के सामने मेन्यू रखना है। मेन्यू का मतलब यहाँ पे हमें यूजर को बताना है कि आप ये काम कर सकते हो। सो इस प्रोग्राम में हमसे क्या बोला गया था, हमें दो काम करने के लिए बोला गया था। पहला हमें फ्लॉइड ट्रायंगल को प्रिंट करना था एंड सेकंड हमें आईसीएसई पैटर्न को प्रिंट करना था। एंड इन दोनों में से हमें कौन सा काम करना है जो हमसे यूजर कहेगा करने के लिए। सो सबसे पहला काम हमें यूजर को बताना है कि हाँ ये ऑप्शन आपके पास है, आप ये कर सकते हो। सबसे फर्स्ट वर्क हमने क्या किया, हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एज इन मेन्यू। एंड मेन्यू में हमने बताया यूजर को एंटर वन फॉर प्रिंटिंग फ्लॉइड ट्रायंगल एंड आप टू इनपुट करो टू प्रिंट आईसीएसई पैटर्न। सो यूजर हमें क्या करेगा, वन या टू में से कोई एक वैल्यू देगा। अब यूजर ने जब चॉइस दिया सो हमें उस चॉइस को किसी वेरिएबल में इनपुट कराना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया int ch मतलब चॉइस, और उसके अंदर हमने क्या करा लिया, यूजर का चॉइस इनपुट करा लिया। अब यूजर क्या करेगा, या तो वन इनपुट देगा या फिर टू इनपुट देगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यूजर ने हमें कौन सा चॉइस दिया। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच हमने लगाया यहाँ पे। सो हमने स्विच के अंदर अपना चॉइस वाला वेरिएबल दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने चॉइस का वेरिएबल स्विच में दिया। अब स्विच का वर्क क्या होता है, स्विच चेक करेगा कि ये जो सी एच है इस सी एच का वैल्यू क्या है। सो अगर सी एच का वैल्यू वन है तो कौन सा केस रन होगा, ये वाला केस। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट पार्ट में प्रिंट करना था एक पैटर्न फ्लॉइड ट्रायंगल का। सो फ्लॉइड ट्रायंगल का पैटर्न कुछ यहाँ पे इस तरह प्रिंट होगा। सो यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करने के लिए हम आई एन जे का लूप चलाएंगे। सो आई एन जे का लूप चलाया एंड यहाँ पे क्योंकि फ्लॉइड ट्रायंगल था 1 2 3 4 इस तरह करके हमें नंबर्स को प्रिंट करना था। सो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया int n इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया n का वैल्यू। एंड जब भी हम n को प्रिंट करेंगे हम n का वैल्यू एक इंक्रीज भी करते जाएंगे साथ साथ, ताकि इस तरह प्रिंटिंग हो, पहले 1 फिर नेक्स्ट लाइन पे 2 एंड 3 फिर नेक्स्ट लाइन पे 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो इस तरह हमने ये पैटर्न प्रिंट कर दिया। अगर आपको गाइस पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैंने पैटर्न पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पे समझाए। अगर आपको पैटर्न प्रिंटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हो, आप उस लिंक पे जाओ, वहाँ पे एक वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि आप पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, आप नीचे आके देख सकते हो वहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, फ्लॉइड ट्रायंगल इतने पार्ट में। अब स्विच केस में एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक। अब जब हमारा केस का वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम लगा देते हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम जब हमारा फर्स्ट वर्क हो जाएगा तो हमें सेकंड वाला वर्क भी करना है। अब सेकंड वर्क में हमें क्या करना था, सेकंड वर्क में हमें आईसीएससी का पैटर्न प्रिंट करना था। सो जब भी हम कोई स्ट्रिंग का पैटर्न प्रिंट करते हैं सो कुछ इस तरह करते हैं, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग एसटीआर लिया एंड उसमें आईसीएससी वर्ड स्टोर कर दिया पहले से। फिर हम वही काम करेंगे, दो लूप चलाएंगे आई एन जे का, ये भी पैटर्न से रिलेटेड, सो आप पैटर्न वाला वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये हम क्यों करते हैं। एंड इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एन str.charactj means इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर हर लाइन पे प्रिंट होगा, पहले i फिर ic फिर अगले पे ics एंड फिर icse, कुछ इस तरह प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में ये वाला वर्क होने के बाद भी हम यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे। सो हमारे दोनों काम यहाँ पे हो गए, हमने दोनों केसेस लिख दिए, हमारे दोनों वर्क हो गए। अब यूजर हमें जो भी चॉइस देगा हमारा वो वाला पर्टिकुलर केस रन हो जाएगा एंड वो वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में हमसे क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि अगर यूजर कोई रॉन्ग चॉइस देता है सो आपको उसके लिए भी कुछ करना है। सो यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट दे दिया, डिफॉल्ट में वो वैल्यू हम देंगे जहाँ पे कोई रॉन्ग चॉइस आएगा, मतलब अगर वन या टू में से कोई चॉइस नहीं है, मतलब यूजर ने मान लो 3 इनपुट कर दिया, मान लो यूजर पागल हो गया उसने 10 इनपुट कर दिया 100 इनपुट कर दिया, सो हम ये वाला स्टेटमेंट रन कर देंगे। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। मान लो कोई आ गया जिसने 1000 वैल्यू इनपुट कर दिया, 10 इनपुट कर दिया, सो क्योंकि हमारे केसेस में 1 या 2 के अलावा तो कोई और वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, You have entered a wrong option. So ये है हमारा प्रोग्राम। अभी इसको रन करके देख लेते हैं क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, ये हमने कंपाइल किया, देन इसको रन करते हैं अभी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू आ गया है, मेन्यू क्या है हमारा, फर्स्ट वन टू प्रिंट फ्लॉइड ट्रायंगल एंड टू प्रिंट आईसीएससी पैटर्न। अब हम जो भी चॉइस देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा। मान लो हमें फ्लॉइड ट्रायंगल प्रिंट करना है, सो हमने 1 इनपुट करा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लॉइड ट्रायंगल कुछ इस तरह प्रिंट हो गया। अब मान लो इसको एक बार और रन करते हैं, अब यहाँ पे हम इस बार सेकंड वैल्यू देखते हैं। सो हमने सेकंड वैल्यू दिया, सो क्या हो गया, हमारा सेकंड वाला पैटर्न प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे आईसीएससी प्रिंट हो गया आ रहा है। अब हम थर्ड वाला केस देखते हैं जहाँ पे हम कोई रॉन्ग वैल्यू यहाँ दे देंगे, मान लो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 1000, अब ये ऑब्वियस बात है रॉन्ग वैल्यू है, सो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू रन होना चाहिए। तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे हमने एंटर करा, सो तुरंत यहाँ पे डिफॉल्ट वाला केस रन हो गया। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग ऑप्शन। सो गाइज ये है हमारा प्रोग्राम जो कि मेन्यू ड्रिवन पे बेस्ड है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स क्या होते हैं एंड उनका वर्क क्या होता है एंड उन्हें हम प्रोग्रामिंग में इजिली कैसे बना सकते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और हमें प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।